मुंबई के कामोठे इलाके में एक बड़ी दुर्घटना सामने आ रही है, जहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट का पासवर्ड शेयर नहीं करने पर दो लोग 17 साल के एक नाबालिग की हत्या कर देते हैं। मारपीट के बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता को चाकू मार दिया। 17 वर्षीय राजकुमार मौर्य की जान चली गई है। ये पूरी घटना नवी मुंबई की है, पनवेल के कामोठे इलाके के एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बेकरी में काम करने वाला 17 वर्षीय राजकुमार मौर्य रात में काम खत्म करके हमेशा की तरह टपरी चला गया। उनके परिचित रविंद्र हरियाणी और राज्य वाल्मीकि यहां पर खड़े थे। जैसे उनका मोबाइल का डेटा खत्म हुआ, उन्होंने मृतक राजकुमार मौर्य से नेट कनेक्ट करने के लिए मोबाइल पासवर्ड मांगा, लेकिन उसने देने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसी गुस्से के चलते दोनों ने पहले तो उसे लाठियों से मारना शुरू किया। पान वाले ने इसे हल करने की कोशिश की, हालांकि उसी समय राज ने मौर्य की पीठ से चाकू से वार किया और भाग गया। इसमें राजकुमार मौर्य ने गंभीर रूप से घायल होने पर उसे तुरंत एजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।